इसी लाइन है, बस समझने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर सही से समझ लिया तो रास्ता आसान, और नहीं समझ पाए तो लाठी आसान। अगर समझ लिया तो रास्ता आसान, नहीं समझा तो लाठी आसान। ये दो ही चीज़ होती है, या तो आप रास्ते से निकल जाओ नहीं तो लाठी तो खानी खानी। जैसे हमारे डी के सिंह साहब ने बताया, बहुत सीधी सी कहानी है कि कोई भी खबर की सूचना मिले, देखिए खबरों की सूचना आदान प्रदान न करना एक अलग विषय है। बस एक पत्रकार समूह में होना एक अलग विषय है। आपसी मतभेद खबरों को लेकर तो हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों के अंदर नहीं। खबरों को लेकर ये हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इनसे रिश्ते बेहतर है तो हम शाम को इनके पास जाएंगे, अरे खबर नहीं दी तो क्या होगा, होता तुम हमारे भाई। खबरों को लेकर चैनल में कम आपको संस्थान ने आईकार्ड दिया है, वही टाइम के लिए उम्र आप कहीं पे दिख नहीं रहे हैं भाई। एक आदमी सब जगह जनपद में नहीं मिलता, हो सकता है बीपी भाई को या इनको मुकेश भाई को या दिव्यांशी को सब वही के लोग जानते हैं, हो सकता है टूला के लोग नहीं जानते, टूला के लोग हैं उनको सिटी के लोग नहीं जानते, मतलब पत्रकार को जानते ही होंगे किसी को, मतलब आम आदमी तो कहीं ना कहीं घटना इनके अंदर भी हो सकती है, मगर होती क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? कारण सत्रह सा है क्योंकि वो समझदार है, समझदारी से काम ले रहे हैं। हम लोग क्या है, समझदारी नहीं है हमारे अंदर, वो चीज़ें नहीं है जो पत्रकारिता में काम आती है, इसलिए हम कहीं ना कहीं उसका हमारा हम पीड़न का सुधार है। तो पीड़न हमारा जब ही होता है, हमारा हमें पिटते जब ही है, जब हम उसके बारे में मालूम ही नहीं। क्या था ये पत्रकार समाज कल्याण समिति आगरा मंडल के द्वारा एक पत्रकारों की आपत मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी पत्रकारों ने हिस्सा लिया। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आए दिन हम देखने को मिलते हैं कि पत्रकार वो पे जो उत्पीड़न होते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकार जो नए पत्रकार साथी हमसे जुड़ रहे हैं उनको ये बताएँ कि उन चीज़ों से कैसे बचा जा सके और उस होने वाले उत्पीड़न को कैसे रोका जा सके, यही पूरा मुख्य उद्देश्य है। और जल्द ही इस पत्रकार समाज कल्याण समिति एक बड़े रंग रूप में पत्रकारों को लेकर उनकी आवाज़ को खड़ा करने का काम करेगी फिरोजाबाद। आज एक बैठक का आयोजन किया गया है, किस तरह की बैठक का आयोजन है और क्या कुछ देखने को मिला पत्रकारों को? हाँ, यहाँ पर गुलाब रोज रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आयोजन किया गया है और ये आयोजन पत्रकार समाज कल्याण समिति द्वारा किया गया है, जिस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इतना था कि जो अभी नए पत्रकार को जुड़ रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, उनके एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, जिसमें एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें कुछ ऐसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा इन नए जो पत्रकार जुड़े हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। क्या कुछ है? पत्रकारों को ये पत्रकारिता के गुण क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए, वो सारी पत्रकारों को बताई गई हैं और जहां उनकी कमियां थीं उन कमियों को दूर किया गया है। और आगामी में जो पत्रकारिता का इनका श्रेय रहेगा, उद्देश्य रहेगा, वो पत्रकारिता के हित में रहेगा, ये आज उनको बताया गया है। कितने पत्रकार इस बैठक में मौजूद? इसमें समथिंग आज बैठक में पत्रकार 20-25 के आसपास में पत्रकार मौजूद रहे जनपद के, जो पत्रकारिता में अभी प्रवेश किया उन्होंने।